जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम आपको पति पत्नी के दिव्य व्यवहार के बारे में कुछ बातें करेंगे। पति पत्नी के बीच में जो क्लेश होता है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और एक दूसरे को दोषित देखते हैं, उसकी वजह से संसार में बहुत ही कटुता आ जाती है। एक दूसरे का प्यार नहीं रहता है, यहाँ तक कि पति पत्नी एक दूसरे के डिवोर्स के लिए, तलाक के लिए कितनी सारी बार सोचा करते हैं। कभी कभी तो मुंह पे बोल भी दे देते हैं, इससे तो तलाक दे दिए तो अच्छा होता था, हम कब डिवोर्स ले लेंगे, तेरे बाप को मैं कह दूँगा ले जा तेरे को, ऐसा कितनी बार बोल देते। ये सब बोलने से हमारा जीवन शांति में हो सकता है? और क्लेश बढ़ जाएगा और उसके दिल पे घाव लगेंगे, उसको लगेगा कर अब तो ये मुझे घर में से निकालने की भी बातें करते हैं, क्या इतनी मैं बुरी हूँ? और वो बहुत अच्छे हैं, वो देव जैसे हैं, वो भी तो शैतान जैसा है, ऐसा अंदर दिमाग में उल्टा चलने लगता है। तो जब शादी करते करते समय हर किसी को मालूम है कि शादी करते समय जब हम फेरे अग्नि के सामने फिरते हैं, उसी समय हमको ब्राह्मण भट्ट जी क्या कहते हैं, समय वर्ते सावधान। लेकिन कभी आप सावध वर्ते, आपको कभी सावध आप हुए, असावध ही है आप हमेशा। जब कभी ऐसा प्रसंग आए पति पत्नी के बीच में खिटपिट होने की शुरू हो जाएगी, तो उस समय सावध होने की बात है। इतने साल गए हम हमारी पत्नी को या पति अपनी पत्नी पति को, एक दूसरे को इतने साल साथ में रहे, तो क्या नहीं समझ पाते, नहीं समझ सकते कि कैसे है इनका नेचर, कौन सी बात पति को पसंद नहीं है या पत्नी को पति पसंद नहीं है, एक दूसरे की कौन सी बातें पसंद नहीं है और कौन सी बातें पसंद है, क्या इतना भी अंदाज हम नहीं लगा सकते हैं? तो इतने साल पति पत्नी साथ रह के क्या किया, धूल पड़ी गिरी इस जीवन में, इतना भी नहीं समझ सकते हैं। अगर एक दूसरे को नहीं समझ सके तो फिर आगे आप एक दूसरे को एडजस्ट कैसे हो सकेंगे? इसलिए एक दूसरे को पहले समझ लो, और जहाँ जहाँ पत्नी पत्नी की वीकनेस है, जहाँ जहाँ उसको कोई बात पसंद नहीं है, वहाँ वहाँ आप सावध रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमेशा हर पति के लिए तो कॉमन चीज़ है, पत्नी को कभी भी मायके की कुछ भी बुरी बात मत बोलो। जरा सू आप बोलेंगे तो तुरंत ही पत्नी का दिमाग आउट हो जाएगा, क्योंकि वो सह नहीं पाएगी। मायके का कितना भी बुरा क्यों ना हो, फिर भी उसको जरा भी कोई बुरा बोले तो वो सह नहीं पाएगी। इसलिए हे पति देवो, आप हमेशा अपनी ससुराल का अच्छा ही बोलो, कुछ बुरा मत बोलो। देखो आपकी पत्नी आपसे कितनी खुश होएगी, और वो खुश रही तो अपने को भी अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, नहीं तो ना खुश हो गई तो समझ लो आज का खाना गया, भूख है मरो उपास करो। तो क्यों, थोड़ी सी इतनी बात समझ लेंगे तो ये बात उसको नहीं पसंद है तो बंद रखो। फिर दूसरी एक बात है कि खाने के समय पर देखो, अपने को मालूम है कि अपनी पत्नी को कुछ कुछ आइटम अच्छी नहीं आती है और कुछ 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 आइटम बहुत अच्छी आती है। अभी इतने सालों से उसके हाथ का खा खा के अपने को इतना तो पता चलना चाहिए। तो जिस समय अपनी थाली में उसको जो आइटम अच्छी नहीं आती वो आ गई, तो उस वक्त अंदर हैंडल मारो कि अभी समय वर्ते सावधान, सावध रहो। अंदर अपनी खुद को ही बोलो कि अभी सावध रहो, चुपचाप खा लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। अगर इतना थोड़ा सा हैंडल मार गए, जो भी हुआ चुपचाप खा लेंगे, आप उसको खाने करे तो कुछ नहीं, लेकिन उसको खराब हो गया है, ऐसा किया वैसा किया, ये तो कड़ी दाल में तो नमक ज़्यादा डाल दिया, इसमें तो मिर्च डाल दी है, तुझे तो कोई खाना पकाने को नहीं आता है, तेरी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, ऐसा सब सुनाते हैं।
तो इससे उसको और दिल जलता है और घाव लगता है, तो सुधरने के बदले और दूसरे दिन जानबूझकर ख़राब करेगी। लियो बहुत उसका दिमाग आउट हो गया। तो इसे समय बरते सावधान। अपने को मालूम है कि खाने के वक्त हम हमेशा चिढ़ जाते हैं, ज़रा भी खाना अच्छा नहीं हुआ तो हमारा दिमाग आउट हो जाता है। ऐसा अगर पतिदेव को पता प्रॉब्लम है तो उन्होंने पहले से ही निश्चित करना, नक्की करना कि जब भी मैं खाने के मेज़ पर जाऊंगा तो चुपचाप खा लूंगा, जो भी कुछ आया है वो मैं चुपचाप खा लूंगा। इतना ही नहीं, हो सके तो उसको अच्छा अच्छा बोलूंगा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बना। नहीं तो भी आप पार्टी में जाते हैं, दूसरों की पत्नियां बनाती है, कैसा भी बनाती है, तो भी आप कितना उसको बखान कर करके बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समोसे तो बहुत अच्छे बनाए, ओहो ये गुलाब जामुन कहाँ से है, आपने किसके पास से रेसिपी ली, अरे वो पत्नी तेरी जल रही है। कभी भी गलती से अपनी पत्नी के सामने किसी और स्त्री की तारीफ मत कीजिए, वो बहुत जल जाएगी, जलस से इज थाई नेम इज वुमन। फिर क्या आपको सुनाएगी, गा रास्ते में वापस आते समय ही, कार में ही सुनाएगी, या स्कूटर रहा तो स्कूटर पे ही, कई बार तो गिरा भी देगी। सुनते हो आपको वो चिलबिली की बहुत अच्छी लगी ना कढ़ी या दाल, तो जाओ ना उसके घर पर ही रोज दाल खाने को, मेरे यहाँ क्या रखा है, मेरी दाल अच्छी नहीं लगती है ना, तो चुलबुली की दाल खाने को चले जाओ। बोलो अब क्या रहा, दाल वहां का वहीं आपको हजम तो क्या उल्टी करा देगी, बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपकी सारी रात बिगड़ेगी, उसकी भी रात बिगड़ेगी। और चुलबुली तो आराम से अपने पति के साथ सो गई होगी, और आप यहाँ सारी रात बिस्तर में करवटे बदलते रहेंगे, वो भी करवटे बदलते रहेंगे और आप भी करवटे बदलते। उससे जरा तो समय वरते सावधान हो जाओ, थोड़ा सा अकल वापरो, जरा सोचो, अगर इसको कभी दूसरी स्त्री के सामने, दूसरी स्त्री के बारे में अपनी स्त्री के सामने कभी तारीफ मत करो, उसका बिल्कुल अच्छा मत बोलो, अच्छा बोलना है तो अपनी स्त्री का ही बोलो, तो वो खुश रहेगी तो हमारा संसार खुश, नहीं तो सब उजड़ जाएगा। और खाने के समय में समझना, हमको जरा खाने का शौक ज़्यादा है, जरा इधर उधर नहीं चलेगा, बिल्कुल परफेक्ट चाहिए खाने में, इतना हमारा हमारा चक्की सबा है, ऐसा डिमांडिंग है, तो जरा उसको जरा नरम कर डालिए, जो भी कुछ आया एक्सेप्ट कर लीजिए। और इसलिए जाने के उसके खाने के मेज पर जाने के पहले ही बड़े जोर से हैंडल लगाइए, आज जो भी कुछ थाली में आएगा वो मैं चुपचाप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है करके खा लूँगा, तो कुछ आप सावध रह सकोगे, वरना आप जैसे ही खाना जरा भी नमकीन आ गया या बहुत तीखा आ गया तो आप चिल्लाए बगैर नहीं रहोगे, आप सावध नहीं हो सकोगे। इन्हें एडवांस में अपनी प्रकृति को, अपनी पत्नी की प्रकृति को, या वैसे वर्षा एक दूसरे की प्रकृति को अच्छी तरह से पहचान लो, और वो पहचान के उसके हिसाब से उसके पास से काम लो। पत्नी पत्नी ने भी अपने पति के बारे में सब कुछ समझ लेना है, कभी पति काम पर से आए हैं तो अपने को जैसे वो गेट में एंटर होते हैं और उनकी चाल पे से ही पत्नी को मालूम पड़ जाना चाहिए कि आज पति का हेड गरम है, आज गाड़ी गरम है, यानी गाड़ी का हेड गरम है, तो सब सब पानी उबल जाएगा, बाहर आएगा और सबको जला देगा, इसलिए पहले से ही उसको ठंडा करने की फिक्र करो। देखो आते ही धम धम करने लगा, इधर उधर जरा सा ऐसा क्यों रखा है, ऐसा क्यों किया, ये बराबर ठीक से नहीं रखते हो, आजकल तुम घर पे ध्यान नहीं रखते हो, जरा सी बोलना शुरू कर दिया, चुपचाप किचन में जाके फटाफट गरम गरम चाय बना के लाओ, कुछ नाश्ता दे दियो, और आपको फिर हंसते हंसते जाओ, इतना अच्छा मुखड़ा करके जाओ कि पति खुश हो जाए, उसका सारा दिमाग गर्म है तो ठंडा हो जाए, एक प्याली गरम गरम चाय की दे दो तो बहुत खुश हो जाएगा, उसका दिमाग थोड़ा अच्छा हो जाएगा। उसके बदले आ
आप तो ऑफिस में अपने बॉस से झगड़ के आए लगते हो, आज आपके बॉस ने आपको डांटा लगता है, इसलिए घर में आते ही मेरे साथ शुरू हो गए, लो ऐसा बोलने लगते, तो इससे क्या होगा, और बढ़ जाएगा झगड़ा। और इसका फायदा क्या है, घर में क्लेश क्लेश क्लेश, वो भी बड़े जोरों जोरों से बोलेगा, आप भी बड़े जोरों जोरों से बोलेगी, और बीच बच्चे बेचारे तमाशा देखेंगे, उनके दिल भी जलेंगे, बच्चों को लगेगा अरे ये मम्मी डैडी क्या करते हैं, इतने ना समझ क्यों है, हम भी तो बच्चे हैं, इनसे हम कितने छोटे हैं, हम भी झगड़ते हैं, लेकिन हम झगड़ने के बाद एक आधी मिनट के बाद हमको एक दूसरे से कितना प्यार रहता है, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, भाई बहन हो या भाई भाई हो। और ये मम्मी डैडी तो दो दो दिन चार चार दिन तक मुंह फुगा के फिरते हैं, एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, ऐसा क्यों नहीं, हमसे इतने बड़े हैं फिर भी ये क्यों नहीं समझते हैं, हमारे पास से क्यों नहीं सीखते हैं, हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ऐसा बच्चे अपने मन में सोचते हैं, और उनके मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है, और उनके मन में, और तो बेचारे बोल नहीं सकते हैं, बेचारे क्या करेंगे, तो वो अपने मन में ये जो कुछ विचार आते हैं, जो कुछ अंदर उठता है, उसको वो सप्रेस करते चलते जाते हैं, सप्रेस करते जाते हैं, दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं। इससे क्या नतीजा होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि अपने बच्चे डिप्रेशन में जाते, साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है, और उसका रूट कॉज माँ बाप ही होते हैं, फिर सारी उम्र तक अपने बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम में देख के माँ बाप को क्या नहीं होगा दुख। तो ये सारी बातें समझने के लिए पहले ये समझो कि बच्चों के देखते हुए कभी भी पति पत्नी ने ऊंचे आवाज से बोलना नहीं चाहिए, एक दूसरे को डांटना नहीं चाहिए, शांति से प्रेम से, कुछ ज़्यादा आपको हो गया तो कमरा बंद करके दोनों जो चाहे सो बोलो, और इतना ही नहीं अगर बच्चे घर में रहे तो बिल्कुल मत बोलो, और बहुत ही बोलना है तो आप कोई गार्डन में जाके वो डांडिया लेके रास खेलो या एक दूसरे के सर फोड़ो, लेकिन बच्चों के सामने कुछ मत करो। क्या इसका बच्चों पे बहुत असर होता है, हमारे पास एक आते बहुत बड़े एजुकेटेड लोग हैं, दोनों हाईली प्रोफेशनल है, लेकिन हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड को इतना ईगो है, इतना ईगो है, मैं कुछ हूँ, हाईली पढ़ा लिखा हूँ और बहुत बड़ा होनहार सक्सेसफुल मैं बिजनेसमैन हूँ, और मेरी पत्नी तो उसको तो कुछ अकल ही नहीं है, वो भी उसके जितनी ही प्रोफेशनल थी, तो भी बात बात में एक दूसरे के साथ खिटपिट खिटपिट खिटपिट। इसके असर बच्चों पे इतनी पड़ने लगी कि बच्चा ऑलवेज डिप्रेशन में रहता था, पढ़ाई में भी एकदम पीछे होने रहने लगा, मार्क्स उसके कम आने लगे, उसके पढ़ाई में जी नहीं लगता था, वो भी बहुत क्रोधी और चिड़चिड़ा हो गया था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि माँ मदर और फादर ने वो अपने बच्चे से उनको कोई उनको अपने दोनों के लिए झगड़े में से ऊपर नहीं आते थे, बच्चे से क्या लगाव रखते थे, बच्चे का ध्यान क्या रखते थे, कुछ ध्यान नहीं रख पाते थे, और इसका नतीजा ये हुआ कि बच्चा स्कूल में नापास होने लगा। फिर मदर ने सोचा कि इससे तो हमारे दोनों के झगड़े में हमारा बच्चा बेचारा सफ़र हो रहा है, तो उन्होंने उसको पंचगिनी पढ़ाई के लिए भेज दिया, हॉस्टल में रख दिया। भी लड़के को होता था कि माँ बाप दोनों लड़ते झगड़ते हैं और उसका भुगतना मुझे ही पड़ता है, मेरे मम्मी पापा अगर अच्छी तरह से रहते, प्रेम से रहते थे, तो आज मुझे इतने इतने हजारों माइल दूर तो रहना नहीं पड़ता था उनसे, इतना कितना उसको दुख होता है। और ऐसा इसको समझने की ज़रूरत है कि हमारी वजह से हमारे बच्चे भी बेचारे मासूम हैं, उनको कुछ उनका कोई गुनाह नहीं है, फिर भी हमारी गलतियां से उनको सफ़र होना पड़ता है, तो इसका भी कुछ खूब खूब ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चों का भी ख्याल रखने का है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत देखते हैं बच्चे, फिर उनका मन उस सप्रेशन के बदले एकदम एक
एक बिल्कुल एक्साइट हो जाता है, तो फिर वो सामने बोलने लगते हैं, माँ बाप को फिर वो माँ बाप का बिल्कुल लहजा नहीं रखते हैं, उसको उसके सामने अपमान जैसा बोल देते हैं, उसका आदर टूट जाता है। इसका परिणाम फिर माँ बाप पे आता है, वो भी फिर बहुत गुस्से में आते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं कि हमारे बच्चे अब हमारे कहने में नहीं है, लेकिन कैसे कहने में रह गए, हमारी ओर से भी तो क्या ऐसा प्रयत्न हुआ है कि जिसकी वजह से बच्चे हमारे कहने में रहे, ऊपर से हमने ऐसा किया कि बच्चे का दिमाग आउट हो जाए। तो ये सब छोटी छोटी गलतियाँ माता पिता के जीवन में भी होती है, जिसकी वजह से बच्चे को सफ़र करना पड़ता है। और समय वर्ते सावधान की बात जो बताई है शास्त्रों में, वो बहुत ही अगत्य की है। और जब जब कभी ऐसा होता है, जब कई मुश्किलें आती है, तो दो में से एक ने तो सावध हो रही जाना चाहिए। एक कपल आता है हमारे पास, उसका एक अनुभव कह रही थी, बहन कह रही थी कि जब मुझे पहला बेटा हुआ तो उसको स्कूल में पढ़ने को रखा, उसको फिर मैं सब घर में उसको ABCD वगैरह सिखाती थी, 1-2-3 सब सिखाती थी। तो KG का तो सब मुझे सिखाना आसान था, लेकिन क्योंकि ये मेरा बेटा है ये बिलीफ मुझे नहीं जाती थी, इसलिए वो कुछ भी गलतियाँ करता था तो तुरंत फौरन ही मेरा दिमाग आउट हो जाता था। अरे मेरा बेटा हो के ऐसी गलती सीली गलतियाँ करता है, मैं सह नहीं पाती थी। तो उसका रिएक्शन आता था और मैं बच्चे को गुस्सा करती थी, डांटती थी, कभी पीट भी देती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि ऐसा मेरे 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 बेटे से मैं इस तरह से कर रही थी, उसको जरा डांट रही थी, पीट रही थी, उसी समय मेरे पति वहाँ आ गए, उन्होंने ये सब तमाशा देखा। हालांकि अब कभी और कोई होता तो मेरे पति बहुत ही गुस्से में आके उसको ठोक देते थे, बच्चों को क्यों मारते हो करके, लेकिन पता नहीं उन्होंने बहुत ही सूझबूझ कर मेरे से बर्ताव किया। मुझे तो वही दिन याद आ गया, समय वर्ते सावधान का। मेरे पति ने मुझे फौरन ही कह दिया, देखो आप कल से कोई अच्छी टीचर इसको रख लो पढ़ाई ले करने के लिए, आप कुछ ये दिमाग पे मत रखो, ये आपका काम नहीं है, बच्चों को पढ़ाएंगे उनकी टीचर ही, आप बच्चों का ध्यान रखो, टीचर का ध्यान रखो, हमारा ध्यान रखो, घर का ध्यान रखो, इससे ज़्यादा आप कितना काम कर सकोगी, ये तो कोई पेड सर्वेंट भी पेड टीचर भी कर सकते हैं, तो ये इतना इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप बच्चों को संस्कार दे, प्रेम दे, प्यार दे, उसकी कीमत है। बोले इस तरह से प्रेम से अगर कोई पति अपनी पत्नी को समझाता है तो क्या मजाल है पत्नी की कि उसके पति के सामने कुछ बोले और पति का आदर ना करे। ऐसे जीवन में तो हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ प्रसंग आते ही होते हैं, अगर दो में से कहीं भी संवर जाए तो बहुत सारा झगड़ा रुक जा सकता है। एक ही खोली में रहना है, एक दूसरों के साथ रहना है, सारा जीवन बिताना है, वहाँ ऐसे लड़ाई झगड़े क्लेश का जिया करके क्या फायदा। क्लेश छोटी छोटी सी बात में, यहाँ तक कि पत्नी के हाथ से कांच के बर्तन गिर गए और टूट गए तो पति चिल्ला लेता है, जोर जोर से चिल्लाता है, अरे तुझे पता नहीं कितने महंगे होते हैं, तू कमाती नहीं इसलिए तुझे मालूम नहीं कि इसकी क्या कीमत है, मेरा पसीना जाता है तब ये चीज़ें आती है। अभी वो कोई जानबूझकर तोड़ती है, इतनी शयानी पत्नी है, इतना बड़ा घर वो संभालती है, सबको संभालती है, तो क्या इतना कांच के बर्तन को संभालने की उस अकल नहीं होगी उसमें, सब कुछ उसको मालूम है, क्या वो जानबूझकर तोड़ती है। अगर जानबूझकर न दौड़े तो हम समझे कि ये अकल नहीं है इसमें, लेकिन ये तो टूट जाता है, वो तो बेचारी उसको संवारने जाती है और फिर भी टूट जाता है। तो हमें इतना नहीं समझना चाहिए कि ये चीज़ टूटने की वाली थी इसलिए आज टूटी, ये कुछ कायम की परमानेंट चीज़ नहीं थी, कांच की चीज़ यानी टेम्पररी परमानेंट हो सकती है। अरे ये हमारा शरीर ही कांच का, एक दिन ये भी टूट जाता है तो उसका भी कुछ इलाज नहीं है। तो ये बर्तन कांच के बर्तन ये अगर टूट गए तो उसके लिए इतना क्या क्लेश करने की ज़रूरत है, जो हुआ सो करेक्ट व्यवस्थित करके छोड़ दो,
और अभी उसको आगे क्या करना है उसकी सोचो, और यहाँ तक कि पत्नी को पहले आराम शांति से पूछो, प्यार से पूछो कि भी ये कांच के बर्तन गिरे हैं लेकिन आपको लगे तो नहीं ना, कहीं आपको घाव तो नहीं लगा ना, तो बोलो उसको कितना अच्छा लगेगा। यहाँ तक कि अगर उसको कांच का घाव लगा है वो भी अच्छा हो जाएगा, दिल पे लगा हुआ घाव वो भी रूठ जाएगा, लेकिन ऊपर से ऐसे डांटेंगे तेरे माकल नहीं है, इतने महंगे कहाँ से तोड़ डाले, तुझे क्या कीमत है पैसे की, ऐसा ऐसा बोलने से उसको बहुत दुख लगेगा। तो इस थोड़ी सी सावधानी रखे ना तो बहुत बड़े झगड़े आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। ये जीवन में जीवन झगड़ा करने के लिए नहीं है, जीवन तो प्रेम से जीने के लिए है। ये कभी कब बसी तोड़ डालना, कब रकाबी होती है ना कांच के बर्तन तोड़ डालना, ये कोई गुनाह नहीं है, ये तो टूटता ही है, ये टूटना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस समय क्लेश कर हो जाना वो है तो गुनाह है। आप कितना भी केस क्लेश करो कज्जिया करो, उससे कुछ कांच के बर्तन वापस नहीं आ सकते हैं। वो कांच का बर्तन और दिल टूट गया सो टूट गया, फिर कभी न जुड़ सकता है। सो उसको बहुत संभालो, कहाँ दिल को, किसी के दिल को, उसमें ही अपनी पत्नी के दिल को तो कांच के बर्तन के जैसे संभालो, एकदम डेलिकेट कांच के बर्तन के जैसे। दूसरों को संभालने के बदले इसको ही संभालो, जिसका सारे घर पे, अपने जीवन पे, अपने बच्चों पे भारी असर होता है। अल्या और जो भी कुछ नुकसान होता है वो हमारे उदय कर्म के अधीन होता है, लेकिन जो क्लेश होता है वह अज्ञानता के कारण से होता है। क्लेश वो उदय कर्म नहीं है, वो नुकसान हुआ, कांच के बटन टूट गए या कुछ चीज़ खो गई, वो क्रिया जो हो गई वह उदयाधीन है। और उस समय समता में रहो, वो आपका पुरुषार्थ है, और आप अगर उस समय क्लेश में हो गए तो वो आपका पुरुषार्थ नहीं है, आपका बहुत बड़ा गुनाह है, और उससे आप कुकर्म मानते हैं। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होने से आप जानवर में जा सकते हो या नरक में भी जा सकते हो, इसलिए आप बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि ऐसे को ऐसा क्लेश करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह अगर कांच के बर्तन की जगह अगर मिट्टी के बर्तन गिर जाते और टूट जाते तो आप कुछ गुस्सा करते थे, उसको क्लेश होने देते थे? नहीं, क्यों ऐसा? तो कांच के बर्तन की कीमत आपको ज़्यादा लगाई हुई है और मिट्टी के बर्तन की कीमत आपके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो टूट गए मिट्टी के बर्तन तो आपको कुछ असर नहीं हुआ। और कांच बहुत महंगे, बहुत अच्छे, बहुत महंगे, ऐसे अग दिमाग में उसकी कीमत लगा के रखी थी, इसलिए वो टूटते ही आपको बहुत ही असर हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा उलट सुलट कर दिल कर डालो, मिट्टी की कीमत ज़्यादा करो, कांच की कम कर डालो, टूट गए तो टूट गए, दो में से जिसको रहना था वो रहेगा, जाना है सो गया जाएगा, एक क्लेश न करो। टूटना उदय कर्म के अधीन है, क्लेश करना अज्ञानता के अधीन है, और जैसे भी हो सको ये अज्ञानता में से बाहर आओ, तुरंत ही ज्ञान का उपयोग करो कि जो भी कुछ हुआ है वो हमारे ही उदय कर्म का फल है, इससे क्लेश नहीं करना। सबसे बड़ा नुकसान क्लेश का होता है, ये कांच के बर्तन टूट गए या सोने की चेन गुआ डाले या कान के रिंग या कुछ डायमंड का कुछ रिंग गई चली गई, तो उसकी कीमत नहीं है, वो नुकसान इतना भारी नहीं है, जिससे जिससे ज़्यादा भारी नुकसान होता है क्लेश से। एक ही बार जोरदार क्लेश हो गया तो आपको पता नहीं है, आप जानवर गति बांध देते हैं, यहाँ तक कि आप कितने कितने जन्मों जन्म भटकने का रास्ता खुला कर देते हैं। इसलिए नुकसानी मत करो, दो दो नुकसानियाँ मत करो। जो समझदार है, ज्ञानी लोग है, वो कभी दो खोट नहीं खाते हैं, एक ही खोट लेते हैं, मोल लेते हैं। एक दो अगर अपना अपना कुछ भी गुम गया या टूट गया फूट गया, वो तो कुदरत की एक खोट गई हो तो गई, लेकिन आप क्लेश करेंगे उस पे कज्जिया करेंगे तो वो हमारे अगले जन्म की नई खोट होगी। तो समझदार लोग कभी दो खोट नहीं खाएंगे। आज से आप नक्की कर दीजिए, दृढ़ निश्चय कर दीजिए कि दो खोट हम हमारे जीवन में कभी नहीं खाएंगे। जय सच्चिदानंद।